हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जानने वाले पोको X3 प्रो के माइक, स्पीकर और हेडफोन के कनेक्शन के बारे में। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि हमारा जो सप्लाई है रिंगर से ऑडियो माइक का कैसा, किस तरीके से वर्क करता है। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं अभी हम। तो सबसे पहले ये हमारा देख लीजिए, इस तरीके का पूरे सर्किट दिए हुए हैं और इसके अंदर दो तरीके के आईसी दिए हुए, एक दिए हुए एयर स्पीकर बोलो तो जो कान में आवाज़ आती है। जैसा आप देख पा रहे होंगे मेरा माउस जहाँ पे हिल पा रहा है, ये रहता है एक एयर स्पीकर के लिए अलग से इन्होंने एक आईसी दिया हुआ है। और दूसरा रहता है रिंगर आईसी। रिंगर आईसी का कनेक्शन यहाँ से यहाँ पे आया हुआ है, एक रिंगर आईसी हमारी ये रही, ये मेन रिंगर आईसी है जो अपने को कानों में जो रिंगटोन सुनाई देती नहीं है जैसा फ़ोन बजता है, तो ये उसकी आईसी है ये, ठीक है। तो इसको सप्लाई कहाँ कौन कौन चीज़ दे रही है, VCC वोल्टेज मिल रहा है इसको पावर से इधर उधर से, और प्लस इसकी कुछ ट्रैकें CPU में जा रही है, और यहाँ पे एक ऑडियो की एक और आईसी दी हुई है। और माइक का कनेक्शन भी देख लेते हैं हम। ये माइक की दो लाइन दिख रही है, 1 और 2, ये दो लाइन माइक की है। और अभी आ जाते हैं हम हेडफोन पे। अभी आप एक बार ये देख लीजिए, इसके बाद हम हेडफोन पे आ जाते हैं अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा तो। तो अभी हेडफोन पे आ जाते हैं हम एक बार और हेडफोन के अभी कनेक्शन देख लेते हैं। ये आ गए अभी हम हेडफोन पे, देख लीजिए ये जो ऑडियो कोडेक आई थी इसका ज़्यादातर जो भाग है हेडफोन में ही जा रहा है, देख लीजिए। यानी ऑडियो कोडेक जो है वो हेडफोन के लिए काम में आ रही ज़्यादातर, उसमें माइक का भी कनेक्शन यही आईसी में गया हुआ है, देख पा रहे होंगे आप ये आईसी में गया हुआ है। यदि अगर आप चाहते हैं आपको कोई फ़ोन बनाना है अपना, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल करके आप अपनी जानकारी ले सकते हैं, आपको जो भी चाहिए। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं मैं और कोई दूसरे मोबाइल के टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और साथ ही साथ आपने अभी तक के हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन जरूर दबाइए। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।